نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر تعریف کا حقدار لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے آخری اور پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم پر جن پر اللہ بھی اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے اور بھیجتے لا تعداد دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں اور تکلیفوں میں ڈال کر پورا پورا اسلام اور پورا پورا ایمان ہم تک پہنچایا اللہ ہمیں پورا پورا اسلام بھی نصیب فرمائے اللہ ہمیں پورا پورا ایمان بھی نصیب فرمائے باتیں آپ حضرات کے سامنے اسلام و ایمان کی چل رہی تھیں بظاہراً دونوں چیزیں ایک نظر آتی ہیں لیکن حقیقتاً دونوں چیزیں آپس میں زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہیں یہی بات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں اور گزشتہ جمعہ بات میری اسی پہ ختم ہوئی تھی
कि कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि इंसान की हकीकत क्या है, ये खुद ही एक बेहकीकत चीज़ है। इंसान का नाम व निशान क्या है, भाई ये खुद एक बेनामो निशान चीज है। जो खुद बेनामो निशान हो जो खुद बेहकीकत हो उसको हकीकत की खबर देने का माना क्या है। उसको हकीकत का समझाना तो ऐसे ही है जैसे भैंस के सामने बीन बजाना। इसलिए वो लोग जिंदगी भी बेनामो निशान गुजार देते हैं और मरने के बाद भी कब्र पर भी नामो निशान कोई नहीं होते। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी जब किसी को दफन फरमाते थे तो उसकी कब्र पर कोई निशानी रखते थे। किसी के सिराने पत्थर रख दिया, किसी के सिराने ईंट रख दी, किसी की कब्र पर कोई टहनी लगा दी, कोई लकड़ी लगा दी, ताकि उसके अजीज़ व अकारिब अहलो अयाल और रिश्तेदारों को खबर रहे कि यह फलां की खबर है। लेकिन कुछ लोग इस खोज में भी चले गए कि ये बेहकीकत कुछ ना कुछ तो हकीकत रखता है। ये बेनामो निशान इंसान कुछ ना कुछ तो नामो निशान रखता है, इसलिए कि अगर ये इतना ही बेनामो निशान है तो उसने इसको अपना निशान क्यों कहा। अगर ये बेनामो निशान है तो उसने इसको ये क्यों कहा कि ये मेरा नामो निशान। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर पैदा करने के बाद उसने अपने नाम की सारी सिफ्तें डाल दी और फिर यूं कहा कि इस इंसान को मैंने अपनी सूरत पे बनाया और यूं भी कहा कि व नफख्तु फीह मिन रूही, इंसान के अंदर मैंने अपनी रूह फूंक दी है। अगर ये इतना ही बेहकीकत बेनामो निशान है तो फिर उसने इंसान को अपनी पहचान क्यों करा। एक हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया, बात तो मैं आगे करूंगा लेकिन इब्तिदा में करता चलूं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया। हदीस कुदसी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, कुन्तु कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि लोग मेरी मखलूक, ये जहान जो मैंने बना दिया, अभी इंसान को नहीं बनाया,
ये मेरा तारुफ ले, मुझे पहचाने, मुझे जाने। तो मैंने अपनी जान और पहचान के लिए इंसान को पैदा किया कि जितनी मेरी पहचान और जान इंसान कर सकता है, मेरी और कोई मखलूक इतनी मेरी पहचान नहीं कर सकता। और फिर इसको बनाने के बाद मैंने अपनी पहचान के सारे रास्ते इंसान पे खोल दिए। अब सूरज निकला हुआ हो और कोई पागल कहे कि मुझे तो नजर नहीं आ रहा, तो हर कोई कहेगा ये पागल आदमी है। सूरज निकला हुआ है फिर भी कह रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा, दिन के 12 बजे हुए हैं फिर भी कह रहा है मुझे सूरज नजर नहीं आ रहा। घर वाले भी कहेंगे इसको पागल खाने ले जाओ। अपने और पराए भी कहेंगे इसको पागल खाने ले जाओ, दिन के 12 बजे हैं और इसको ये यकीन ही नहीं कि सूरज निकला है कि नहीं निकला। शायद यही वजह है कि आप चाहे हम जैसे भी कमजोर ईमान वाले हैं, हमारे मुल्कों के आप सफर करें तो आपको पागल खाने बहुत कम नजर आएंगे, बहुत कम। अब फिर भी कुछ मिल जाएंगे, आज से 20-30 साल पहले को पागल खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन आप मगरबी तहजीब के मुल्कों का सफर करें तो एक एक शहर में आपको सैकड़ों पागल खाने मिले। आप अपने मुल्क पाकिस्तान का सफर कर ले, मैं एक मिसाल देता हूं, इस वक्त भी पूरे मुल्क में आपको 4 या 5 पागल खानों से ज्यादा नहीं मिले। आज आप न्यूयॉर्क सिर्फ एक शहर का सफर कर लें आपको 700 पागल खाने मिले। जो दिन के चढ़े हुए भी दिन को ना पहचानता हो और जिसकी तखलीक का मकसद ही ये था कि ये अपने अल्लाह को जाने और वो अपने अल्लाह को ना जानता हो, उससे बड़ा पागल कौन। और फिर हम पागलों को देखिए कि हम भी उन्हीं पागलों के पीछे चल रहे हैं। पागल जा रहा हो तो पीछे 4 बच्चे लग जाएं, पागल होए पागल होए पागल होए, तो वो भी पागल होते हैं जो पागल के पीछे चल पड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है किसी पागल को कभी पत्थर न मारा करो, गाली न दिया करो, उसके पागलपन का कभी मजाक न उड़ाया करो, इसलिए कि वो तो पागल है ही है, तुम उसके पीछे लग के अपने आप को क्यों पागल करो। कुरान ने इंसान को एक दावत दी है, अल्लाह कहते हैं कि मेरी पहचान के पीछे इतना मत चलो। भाई सूरज निकला हुआ है, दिन के 12 बजे हुए हैं तो निकला है, अब तुम घर से कमरे से भी बाहर सहन में आ जाओ, सहन से सड़क पे आ जाओ और सड़क पे खड़े होकर आप कहें कि नहीं यहां से भी मुझे नजर नहीं आता, मुझे तो खुले मैदान में ले जाओ, मैं वहां जाकर सूरज को देखूंगा तुम्हें बताऊंगा सूरज है। ये और बड़ा पागल है। और इसी पे एक और मिसाल देके मैं अगली बात समझाऊं। रात को मेरे घर का एक सहन का बल्ब जल रहा हो तो मैं जब अपने कमरे में दाखिल होऊंगा तो मैं अपने कमरे का भी बल्ब जलाऊंगा, हत्ता कि मैं टॉयलेट जाऊंगा तो टॉयलेट का बल्ब भी जलाऊंगा, किचन में जाऊंगा तो भी बल्ब जलाऊंगा। मेरी बीवी ने अगर किचन का बल्ब जला लिया तो मैं उसे पागल नहीं कहूंगा,
मैं उसे सजा नहीं दूंगा, मारूंगा नहीं, उसे कहूंगा कुछ नहीं, इसलिए कि मुझे पता है रात को जरूरत है। लेकिन अगर दिन के 12 बजे मेरी बीवी मेरे घर के सहन का भी बल्ब जला ले, कमरे का भी जला ले और किचन का भी जला ले, और जो बाहर बल्ब लगा हुआ है दरवाजे के उसे भी जला दे, तो क्या ख्याल है आप उसे क्या कहेंगे? फट कहेंगे बिल तेरे मां प्यो ने नहीं देना, बिल मैं देना। और अब तो माशाल्लाह आपके और मेरे मुल्क में तो जले न जले जले फिर बिल फिर भी आएगा और बढ़ चढ़ के आएगा। तो दिन के होते हुए अगर कोई लाइट जला ले तो हम मरने मारने पे तुलाते हैं, रात के अंधेरे में कोई बल्ब जला ले तो हम कहते हैं नहीं जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे रब की रबूबियत का सूरज जब निकल आए, खुदा की खुदाई का सूरज जब तुलू हो जाए, तो अब कोई कहे कि मुझे नजर नहीं आ रहा तो फिर उससे बड़ा पागल कोई नहीं, और फिर उससे बड़ा पागल कोई नहीं जो उस पागल के पीछे चल रहा और ये कहता है कि मैं इन्हीं की तहजीब को अपनाऊंगा, इन्हीं की शक्ल बनाऊंगा, इन्हीं की सूरत बनाऊंगा, इन्हीं का लिबास पहनूंगा और इन्हीं की तमद्दन और इन्हीं का तहजीब मेरे घर के अंदर आना चाहिए, मुझे इस्लाम की जरूरत नहीं, मुझे तो इनकी जरूरत है। कुन तो कंजन मख्फियन, हदीस कुदसी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, अल्लाह कहते हैं मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं बाहर आऊं। मैंने चाहा कि मेरी मखलूक इस खजाने से वाकिफ हो, तो इस खजाने से वाकफियत रखने वाले फिर इंसान को मैंने बना। और फिर इंसान मुझे जानने के बाद फिर मेरे तारुफ को लेकर जंगलों में घूमा, शहरों में घूमा, पहाड़ों पे गया, पत्थर भी पड़े, मार भी पड़ी, वतन से बेवतन भी हुआ, लेकिन जिसको मेरे तारुफ का मजा लग चुका था उसने मौत को खुद तो कबूल कर लिया, लेकिन मेरे तारुफ को लोगों के सामने बयान करना कभी नहीं चुका। इंसान क्या है? फिर इसी इंसान को उसने अपना खलीफा कहा। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले उसने यूं नहीं कहा कि मैं इंसान को बना रहा हूं, नहीं मेरे दोस्त। कुरान कहता है कि उसने कहा मैं अपना खलीफा बना रहा हूं। अपना नैब बना रहा हूं। हालांकि आपका और मेरा ईमान है, अल्लाह का तो नैब कोई है ही नहीं, वो तो पाक है इन चीजों से, लेकिन कुर्बान जाइए इंसान को वो अपना नैब कहता है। ना उसने मरना है, ना उसे मौत आनी है, कि नैब तो वो होता है जो बड़े की मौत के बाद उसकी कुर्सी पे बैठे। अल्लाह ने मरना है, बोलो ना, हमने मरना है। मौत उसकी सारी मखलूक के लिए, उसके लिए मौत नहीं। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह पाक कभी तौफीक दे तो रात को सोने से पहले इस सूरत को पढ़ लिया करो एक दफा, अल्लाह मौका दे, आदत बना लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत कब्र के अजाब से बंदे को महफूज रखती। जो इसको रोज पढ़ने की आदत डाल ले,
दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी कब्र के अंदर अजाब आएगा तो ये सूरत दीवार बन के खड़ी हो जाए। फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, मैंने मौत और हयात को बनाया इसलिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हें आजमाऊं कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता। अपने लिए नहीं कहा उसने, इसलिए कि उसके लिए मौत नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय फानी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है। अइनमा तकूनू युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, लोहे के सीमट के बड़े बड़े अपने लिए मकान बना लो कि इसके अंदर मौत वाला फरिश्ता दाखिल ना हो सकेगा, शीशे के बड़े बड़े कमरे बना लो और ताले लगा दो कि इसके अंदर मौत का फरिश्ता नहीं आएगा, फायर प्रूफ बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लो और अंदर बैठ जाओ कि मौत का फरिश्ता नहीं आएगा, गाड़ियां भी उड़ जाएंगी, मकान भी उड़ जाएंगे, शीशे के हों, सीमट के हों, सरिये के हों, आने वाला जब आएगा तो उसके सामने कोई चीज़ रुकावट बन के खड़ी नहीं हो सकती। बका उसने सिर्फ अपने लिए रखी, लेकिन सदके जाऊं उसकी ज़ात के फिर भी वो कहता है कि इंसान मेरा खलीफा, फिर भी वो कहता है इंसान मेरा खलीफा है। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले उसने यूं नहीं कहा कि मैं इंसान बना रहा हूं। वइज़ क़ाला रब्बुका लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में क्या है, जोर से बोलो, खलीफा बनाने वाला। कालू, कहने लगे, अतजालु फीहा, क्या तू उसको बनाता है, मैं युफ्सिदु फीहा, जो जमीन में फसाद करेगा, व यस्फिकुद्दिमा, जो खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम तेरी तस्बीह बयान करने को काफी हैं, व नुकद्दिसु लक, तेरी बुजुर्गी बयान करने को काफी हैं, अगर तुझे तेरी बुजुर्गी और तकदीस की जरूरत है। तो फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, मैं इस खलीफे को बना क्यों रहा हूं कि कुन तो कंजन मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा तारुफ हो जाए। मेरी पहचान हो जाए। और जो पहचान वाला करने वाला उसका नायब और खलीफा है। काश अगर वही बन जाए, वही बन जाए जो वो चाहता है, तो फिर उसी नायब और उसी खलीफा में से अल्लाह पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम जैसी हस्ती को पैदा करके दुनिया के सामने नमूना बना के पेश करता। ये बेहकीकत जो लोग कहते हैं कि इंसान बेहकीकत है, तो इसको हकीकत का बयान करने का फायदा क्या, ये बेनामो निशान चीज है, इसको नामो निशान की क्या जरूरत। बात जो मैं कर रहा था, सदके जाऊं उस जात के जो खुद नामो निशान वाली है, तवज्जो रखना, खुद नामो निशान वाली, उसने इस बेनिशान को अपने निशान के लिए चुना, इंसान को उसने अपना निशान कहा। बेहकीकत चीज को उसने ऐसी हकीकत बख्शी कि जो वो खुद जाते हकीकत है,
ذات حق ہے, ذات حقی ہے, کہ اس ذات حق نے اس بے حقیقت کو دنیا میں اور کسی جگہ کو منتخب اپنے لیے نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اس بے حقیقت انسان کے دل کا ایک انچ جگہ بھی نہیں اس کو اس حقیقت والے نے اپنے لیے چنا. ایک بات آپ میری سمجھیں گے, اگر اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے آمین کہہ دیں, کہ مٹکا بنانے والا مٹکا بناتا کیوں ہے, یہ مٹی کا پیالہ بنانے والا یہ پیالہ بناتا کیوں, کتنی محنت کرتا ہے, کتنی کاریگری کرتا ہے, اور اس مٹی کے مٹکے بنانے کے لیے بھی ہر جگہ کی مٹی کام نہیں آتی, مخصوص جگہ کی مٹی ہوتی. مٹی کا پیالہ بنانے کے لیے آپ کہیں کہ میرے گاؤں کی ہر جگہ کی مٹی سے مٹی کا پیالہ بھی نہیں بنتا, ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے. وہ آدمی کہاں سے مٹی لاتا ہے, بناتا ہے, پھر اس کو لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے, پھر اسے پکاتا ہے, اس کے اوپر نقش و نگار بناتا ہے. اتنی نازک چیز بناتا ہے کہ ہر ٹھوکر سے بچا کر اس کی حفاظت کرتا ہے, کہیں ٹوٹ نہ جائے, اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی لے جائے گا تو میں ایسی مٹی کا بناؤں کہ جو مٹی پانی کو ٹھنڈا کرے, اور میرا لیا ہوا مٹکا کوئی لے جائے تو اس کے اندر سے میرے لیے بھی دعا نکلے کہ کتنا اچھا مٹکا بنایا ہے کہ پانی کتنا اچھا ٹھنڈا کرتا ہے. پیالہ بنانے والا پیالہ مٹی کا کیوں بناتا ہے, کہ لے جانے والا جب اس کے اندر کھانا کھائے یا پانی پیئے تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے الحمدللہ کے ساتھ ساتھ میری بھی تعریف نکلے کہ بنانے والے نے کتنا اچھا بنایا. آپ اور میں بھی ایک مٹی کے مٹکے اور پیالے کی طرح ہیں, کہ بنانے والے نے ہمیں کیوں بنایا, کیا کھانے پینے کے لیے, ہگنے موترنے کے لیے بنایا کہ بس یہی کرتے رہو, نہاتے دھوتے رہو, سر میں تیل لگاتے رہو, اچھے کپڑے پہنتے رہو, بس یہی تمہارا مقصد ہے, دکان پہ بیٹھ جاؤ, دفتر میں چلے جاؤ, نوکری پہ چلے جاؤ, رات کی دن کی, بس یہی تمہارا کام ہے, اس لیے بنے ہو. مٹکا کس لیے بنتا ہے, پیالہ کس لیے بنتا ہے, یہ ہزاروں مارکیٹوں میں برتنوں کی دکانیں ہیں, لوگ کس لیے بناتے ہیں, کہ صرف شوکیس میں سجا کے رکھ دیا جائے. یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, عذاب نہیں آیا, آیا تو چھتوں پہ رک گیا. اب یونس علیہ السلام یہی سوچ کر قوم سے بھاگے کہ میں جھوٹا پڑ گیا, کہ میں نے تو کہا تھا فلاں ٹائم فلاں تاریخ فلاں دن عذاب آئے گا, عذاب آیا ہی نہیں, لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے. تو اب بھاگے, اب آگے جو کچھ ہوا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب جب بھاگے تو راستے میں خیال آیا کہ اوہو, خیال تو ادھر کروں, اس سے پوچھوں تو نے عذاب کیوں نہیں بھیجا, میں تو بھاگ نکلا, اس سے پوچھوں تو نے عذاب کیوں نہیں بھیجا. تو نگاہیں اٹھا کے کہا مولا, کیا تو یہی چاہتا تھا کہ تیرا نبی جھوٹا پڑ جائے, تو نے عذاب کیوں نہیں بھیجا, حالانکہ تیرا وعدہ تھا میرے ساتھ. تو قرآن نے کئی جواب دیے, جن میں ایک جواب سمجھانے کے لیے دیا یونس علیہ السلام, کہ راستے میں ایک مٹکے بنانے والے کی دکان آئی یا گھر آیا, تو یونس علیہ السلام سے کہا, دیکھا یہ مٹکے بنے پڑے ہیں, کہا اللہ بنے پڑے ہیں, ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس دکان والے سے کہہ دو کہ ایک مٹکا توڑ دے.
पहले तो दिल में सोचा कि बनाने वाला कैसे तोड़ेगा जिसने इतनी मेहनत से बनाया। कहा नहीं, मैं कहता हूँ जाके कह तोड़ दे। तो तशरीफ ले गए दुकान वाले से, कहा मियाँ एक मटका तोड़ दे। उसने गुस्से में देखा, उसने कहा ये ठीक है, मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं, तोड़ दूं? चलो, मुझे समझाने आया है कि तोड़ दूं? निकले तो कहा अल्लाह, वो तो कहता है क्यों तोड़ूं? कहा मैं भी तुझे यही कहता हूं, मैं क्यों अजाब भेजूं? अपने हाथ से बनाए हुए मेरे बंदे हैं, मैं इनको तबाह कर दूं? मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। तनहा बैठकर थोड़ा सा इसी जुमले पे कभी रात दो मिनट के लिए गौर कर लेना, जिसको मुराकबा कहते हैं। बुजुर्गान नक्शबंद में एक मुराकबे का तरीका होता है कि रोज रात को अपने चेहरे पे चादर डाल के अपने दिल की तरफ तवज्जो करके बैठ जाओ कि आज मैंने दिन में क्या किया, कितने मैंने अच्छे काम किए और कितने मैंने बुरे काम किए। रोजाना अपना मुहासबा करो, फिर शायद आपको मेरी बात समझ आएगी। ऐसे नहीं समझ आएगी। मौत 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 में जितना भी कहता रहूं, आपको और मुझे समझ नहीं आएगी जब तक हम खुद मौत का प्याला नहीं पिएंगे। वो वेले चले गए जब मौत पर घर में बूढ़ी औरतें रोती थीं तो घर वालों को मौत का एहसास होता था। अब सब बनावट, नाराज नहीं होना, सब दिखावा होता। इसलिए कि कब्रिस्तान में हम मैयतों को ले जाते हैं तो वहां भी मोबाइल पर सौदे कर रहे होते हैं, वहां भी हम मोबाइल से फिल्में बना रहे होते हैं। अगर मौत याद होती, हमें मौत का एहसास होता तो कब्र, आज दुनिया में सबसे बड़ा जुआ कब्रिस्तान में होता है। आप किसी कब्रिस्तान में चले जाएं, हर कब्रिस्तान में आपको कहीं ना कहीं ताश खेलने वाले, जुआ लगाने वाले आपको मिल जाएंगे बैठे खेल रहे, चर्स बेचने वाले, हेरोइन बेचने वाले। और बल्कि मैं तो कहा करता हूं, नाराज नहीं होना, जहां ये ड्रग के कारोबार होते हैं वो सारा गांव ही कब्रिस्तान होता है। मेरे मुसलमान भाई, इस मुल्क में भी आकर, इस शहर में आकर यहां भी ड्रग का धंधा करते हैं और हम कुछ समझा दें तो हमें कहा जाता है जी हम तो रोजी कमाने आए हैं। मेरे दोस्तों, तुम्हें बनाने वाले ने बड़े प्यार से बनाया। गोली से मारने वाला एक बंदे को मारता, लाठी डंडा छुरी खंजर से मारने वाला एक बंदे को मारता, ड्रग का धंधा करने वाला पूरे मुआशरे को मारता, पूरे इंसानों का कातिल होता। इसको तो अगर 10 दफा भी फांसी दी जाए तो भी कम होता। हैरान होते हैं कि कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, जो कहे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, वो इंसानों के कत्ल करने पे ऐसे दरपे लगा हुआ हो। और फिर आगे दलील ये देता है कि जी हम काफरों को देते हैं। ओ भाई, मुसलमान को भी उसने अपने हाथ से बनाया है, काफिर को भी उसने किसी पराई नर्स के हाथ से नहीं बनवाया, काफिर को भी अपने हाथ से बनाया। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल रहामी कैफा यशा। ओ कलमा पढ़ने वालों, जिस तरह तुम्हारी तस्वीर बनाने वाला वो है, उसी तरह काफिर की भी तस्वीर बनाने वाला वही। तुम्हें भी मां के पेट में बनाया, उसे भी मां के पेट में बनाया, तुम भी अपने बाप का नुतफा, वो भी अपने बाप का नुतफा। सूरज उसके लिए भी वही, सूरज तुम्हारे लिए भी वही, रात तुम्हारे लिए जो, उसके लिए भी वही। तुम्हारे खून का भी रंग सुर्ख और लाल,
उसके खून का भी रंग सुर्ख और लाल, फर्क कोई नहीं। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदी यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, अल्लाह हर एक पैदा करने वाला जिसको भी वो करता है उसको इस्लाम पे पैदा करता है। माँ बाप यहूदी बना दे, माँ बाप ईसाई बना दे, माँ बाप मजूसी बना दे, मुआशरा उसे काफिर बना दे, मेरा अल्लाह उसे काफिर नहीं बनाता। मा यफालुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, पांचवें सिपारे की आखिरी आयत, मा यफालुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह कहते हैं ओ बंदो मेरे बारे में जरा सोचो, तुम्हारा दिल गवाही देगा मैं रब अजाब देने वाला नहीं। तुम कैसे सोच लेते हो कि मेरा अल्लाह अजाब देने वाला, मैं अगर अजाब देने वाला होता मोहम्मद मुस्तफा जैसा नबी तुम्हें ना देता, मैं अजाब देने वाला होता 1,24,000 नबी न भेजता, मैं अगर अजाब देने वाला होता तुम्हारे लिए अपनी निशानियां ना नाजिल करता, तुम्हें अजाब देने वाला होता कुरान नाजिल ना करता, तुम्हें अजाब देने वाला होता उलमा पैदा ना करता, तुम्हें अजाब देने वाला होता औलिया पैदा ना करता, तुम्हें तकलीफें देने वाला होता मैं सुलहा पैदा ना करता, मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के दरवाजे ना खोलता। मा यफालुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तुम मेरे हाथों के बनाए हुए, मैंने तुम्हें अपनी तस्वीर पे बनाया, वनफख्तु फीहि मिन रूही, तुम्हारे अंदर अपनी रूह फूंकी, और जब तुम्हें बनाया बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा, जब तक तुम मुझे अच्छे नहीं लगे उस वक्त तक तुम्हें बाजार में नहीं भेजा। जब तुम मुझे अच्छे लगे हो फिर मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा। तुम्हारी आंखें देखी, तुम्हारे कान देखे, तुम्हारे हाथ देखे, तुम्हारे पाँव देखे, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिम माशा अरक्कबक, जिस तरह खजाने का ताला और चाबी अपने हाथ में रखी, तुम्हारी सूरतें बनाने का भी ताला चाबी अपने हाथ रखी, न तुम्हारे माँ बाप के हवाले की, न तुम्हारे दादा पर दादा के हवाले की, न तुम्हारे नाना पर नाना के हवाले की, न तुम्हारी बाजियाँ और तुम्हारे भाइयों के हवाले की, तुम्हारे बनाने की जितनी कारीगरियाँ थीं अपने हाथ में रखी, जैसा मैं चाहूँ। इसलिए कि तुम्हारी चाहत फानी मेरी चाहत बाकी, तुम चाहते जिस तरह चाइना जाते हो सैंपल लेके, हल्का से हल्का हल्का से हल्का हल्का से, मुझे इतने में चाहिए जो $2 का हो, दूसरा जाता है मुझे इतने में चाहिए जो $1 का हो, तीसरा जाता है इतने में चाहिए जो 8 आने का हो, चौथा जाता है ऐसा चाहिए दुकान पे तो सही सलामत हो, लेके जाने वाला निकले बेशक टूट जाए मेरी जान छूट जाए, नहीं नहीं मेरी जात मेरी इज्जत मेरी कुदरत मेरी रहमत मेरा फजल मेरा करम आरजी नहीं हमेशा हूं, मैंने तुम्हें बनाया भी ऐसा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों तुम मौत को बुरा जानते हो, मौत बड़ी जालिम चीज है, जानते हो मौत है क्या? जब वो एक दफा बना देता है तो तबाह नहीं होने देता,
वो तबाह नहीं होने, तुम्हारे लिए वो मर गया है। उर्दू का जो एक लफ्ज बोला जाता है ना, फलाना बंदा इंतकाल कर गया, वो इस्तेमाल किया करो, मरने का ना किया करो। मरने का भी करो तो फिर दूसरा माना लो कि असल में जीना तो मरना है, असल में जीना तो जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। इसलिए कि ये जिंदगी फानी है, मौत मरना अबदी जिंदगी है। कितना बेवकूफ आदमी है जो फानी चीज के पीछे पड़ा हुआ है, अबदी चीज को छोड़े हुए, कहता उससे डर लगता। आप और मैं जितने, अल्लाह की कसम, मैं कसम खा के करूं, मैं भी, आप भी सारे मौत से डरते और चाहें तो सारी जिंदगी रहे, अल्लाह हमें मौत ना आए, हम तो यही दुआ करते। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं है, इसी पे एक बात करता चलूं, यही वो पर्चा है जो असली है। बाकी तो जितने पर्चे हैं वो गैर जरूरी है। ये मकान क्यों बन गया, अल्लाह ने पूछना है। ये मुल्क क्यों बन गया, अल्लाह ने पूछना है। ये पुल क्यों बन गया, अल्लाह ने पूछना है। ये MTR क्यों चल रही है, अल्लाह ने तुमसे पूछना है। ये बहरी जहाज क्यों चल रहे हैं, अल्लाह ने तुमसे पूछना है। इन पे बहस है, इनके पेपर हम दे रहे हैं सारे, इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। जो असल चीज है उससे हम सारे भागते हैं। शाम को घर बैठते हैं, हाय मेरा बेटा आज इंटरव्यू को गया था, तैयारी करके जाता तो पास हो जाता, आज गया था पुलिस में भर्ती होने को, रिश्वत दे लेते तो पुलिस में थानेदार भर्ती हो जाता, गया था कस्टम में नौकरी लगने, कुछ रिश्वत दे देते तो मिल जाती, ये तो सोच होती। लेकिन शाम को चूल्हे पे या सोफे पे बैठकर हमारी ये कभी माँ बाप की और बच्चों की सोच नहीं होती, ना माँ पूछती है ना बाप पूछता है, को मौत की तैयारी भी की है। वो जो पेपर असली देना है हमने, को उसके बारे में भी सोचा है। जो असल चीज है, ये बेहकीकत जिसको हम बेहकीकत कहते हैं, ये बेनामो निशान, शायद इसी वजह से आज आदमी हमारे मरने के बाद भी हमारी कब्र पे नामो निशान नहीं रखते। अरब मुल्क में चले जाओ तो किसी से पूछो ये किसकी कब्र है तो बताने वाला भी कोई नहीं होता, बल्कि अगर आप 2-3 दफा पूछ लो तो पुलिस आकर आपको पकड़ के भी ले जाएगी, कौन है तू पूछने वाला है किसकी कब्र है। उन्होंने इतना बेनामो निशान बना दिया। लेकिन मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो ये हैं कि हुजूर जब किसी को कब्र में दफनाते तो मेरे पाक नबी तो उसकी कब्र पे पत्थर रखते थे, ईंट रखते थे, दरख्त लगाते थे, को टहनी लगा देते थे, को लकड़ी खड़ी कर देते थे कि नामो निशान रहे कि इस कब्र में फलाना बंदा है, जिससे मालूम होता है कि मेरी जिंदगी भी कुछ हकीकत है और मेरी मौत भी कुछ हकीकत है। इसलिए वो बनाने वाला कहता है कि इंसान मेरा खलीफा है। फिर इस खलीफे को उसने इस्लाम की दावत दी और फिर इसी खलीफे को उसने ईमान की दावत दी। इस्लाम और ईमान को लेकर 140,000 या 124,000 नबी आए। मैं यही बात आप हजरात के सामने कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, याद है कि या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? इरशाद फरमाया, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व शहादत अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सला व इताइ ज़का व सियाम रमजान व हिज्जुल बैत, ये इस्लाम। पूछने वाला पूछता है मैनू अंदरों दसो इस्लाम की है। ये तो जाहिरी माना है, मैं चाहता हूं कि अंदर को भी बनाऊं बाहर को भी बनाऊं। इससे मालूम होता है कि इस्लाम इंसान का अंदर भी बनाता है बाहर भी बनाता है। मुझे यह बताएं कि इस्लाम अंदर से क्या है,
क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद है इतने जुमों से बात कर रहा हूँ, कि तू दिल अपना अल्लाह को दे, ना किसी लड़की को दे, ना किसी लड़के को दे, ना कुर्सी को दे, ना दौलत को दे, ना बैंक को दे, ना गाड़ी को दे, ना कोठी को दे, ना मकान को दे, ना दफ्तर को दे, ना दुकान को दे, दिल किसको दे? ज़ोर से बोलो। और जवानों, तुम दिल किसको देते हो? अल्लाह को देते हो, लड़कियों को देते हो? दिल अल्लाह को दे भाई, जब दिल अल्लाह को दोगे तो बात बनेगी। दिल को, दिल अगर गैर को दे दिया, जो उस हकीकत वाले ने अपनी जगह बनाया है, जो उस नामो निशान वाले ने अपनी जगह बनाया है, तो फिर तुम अल्लाह के अपने बनोगे। दिल अल्लाह को दे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें, ईमान क्या है? याद है इरशाद फरमाया, आमंतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ले, व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व यौमिल आखिर व कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला والباس بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب। इसका नाम ईमान है। पूछने वाला फिर पूछता है, कहता है, या रसूलल्लाह, अंदर से दसो ईमान की है, अंदरों दसो ईमान की है। ये जबानी चीजें, दिल ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, मुझे अंदर से बताएं, मैं अपने ईमान को बनाना चाहता हूं, तो क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद है? नहीं याद? अपने अखलाक को अच्छा कर, अपने अखलाक को अच्छा कर, अपने बोल को अच्छा कर, अपनी चाल ढाल को अच्छा कर। सिर्फ ये नहीं कि तू चलना अच्छा सीख ले, मतलब ये कि आस पड़ोस वाले के साथ बोलना चालना, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, मुसलमानों के साथ, हत्ता के काफरों के साथ, इंसानों के साथ और जानवरों के साथ, दरख्तों के साथ और घर की दीवारों के साथ, तेरा अखलाक कैसा? फिर तुम मोमिन बनो। अब नमाजें बहुत पढ़ ली, दाढ़ियां भी रख ली, टोपियां पगड़ियां भी पहन ली, लेकिन अखलाक ना आया। एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जमाने में हमारी गांव देहातों की औरतें एक किताब पढ़ती थीं, किताब का नाम था पक्की रोटी, हो सकता है कुछ बंदा जानते भी हो, औरतें पढ़ती थी, पंजाबी में होती थी, सवालों जवाब में। तो उसमें एक सवाल था, सवाल, तेरा इस्लाम नंगा है कि कजिया होया है? जवाब, मेरा इस्लाम नंगा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, अल्लाह ने जो तुम्हें ईमान दिया है ये नंगा है, इस ईमान को कजना तुमने, इस ईमान को कपड़े तुमने पहनाने, इस ईमान को गुसल तुमने देना है, इस ईमान को सुर्खी पाउडर तुमने लगाना है, इस ईमान को कजला सुरमा तुमने डालना है, इस इस्लाम की कंघी तुमने करनी है, इस इस्लाम को तुमने बनाना है। या रसूल अल्लाह, जोर से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने इस्लाम को कजला सुलमा कैसे डाल सकता हूं? फरमाया, अपने अखलाक से। अखलाक अच्छा कर लो, इस्लाम पे चादर आ, तुम्हारे ईमान पे चादर आ जाएगी। अपने अखलाक को अच्छा कर लो, तुम्हारे ईमान का सुरमा आ जाएगा।
अपने अखलाक को अच्छा कर लो, तुमने अपने ईमान को चादर डाल दी और तुमने अपने ईमान के नंगेपन को छुपा दिया। फिर सवाल आता था कि तुम्हारा ईमान खलोता है कि बैठा है। उस किताब, बड़ी अजीब किताब थी वो, दो तीन किताबें थी, एक चरखा रंग रंगीला, औरतें पढ़ती थी, एक किताब होती थी अहवालुल आखिरत, पंजाबी जबान में थी। पुराने वक्तों में हमारी माएं बेटियां बहिश्ती जेवर पढ़ती थी घरों में, बल्कि मुसलमान जहेज के अंदर अपनी बेटी को, अपनी बहन को बहिश्ती जेवर दिया करते थे कि उस पराए घर में जाकर बहिश्ती जेवर की तालीम। लोग फजाइल आमाल देते थे जहेज में अपनी बेटियों और बच्चियों को कि जेवर के साथ साथ जिसे सोना कहते हो, जिसे चांदी कहते हो, इसकी कबर सोने चांदी से नहीं बनेगी, इसकी कबर ईमान और आमाल से बनेगी। बेटी को पराए घर में भेजते वक्त इसके ईमान और आमाल को बनाना भी माँ बाप की जिम्मेदारी होता। जिस तरह जहेज बनाते हो, हाय बात याद आई, ताबेईन के दौर में जो इस्लाम का तीसरा बड़ा जमाना था, एक आदमी ने जमीन बेची, खरीदने वाले ने जमीन खरीदी, महीना दो महीने हो गए, एक दिन हल चला रहा था तो हल चलाया तो जमीन के नीचे से सोना निकल आया, ओ जेवरात ढेरों के हिसाब से। जमाना अच्छा था, अब लेने वाला हमारी तरह का था नहीं, कहने लगा जमीन तो मैंने खरीदी है पैसे देकर, ये सोना तो मैंने नहीं खरीदा पैसे देकर, ये तो उसी का है जिससे जमीन खरीदी। सोने को उठा के उसके पास गया जिसने जमीन बेची थी कि भैया मैंने जमीन खरीदी थी, ये नहीं खरीदा था, इस पर तेरा हक है। अब वो बेचने वाला भी अजीब था, वो कहने लगा मैंने तो बेच दिया, अब जो कुछ जमीन से निकलेगा वो तेरा। क्या भले वेले थे, ईमान था लोगों का। अब दोनों अदालत जा पहुंचे, हम पहुंचते हैं ये मेरी है, ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, जमीन मेरी है, गाड़ी मेरी है, सब कुछ मेरा है। अब वो दोनों पहुंचे हुए, एक कहता है मेरा नहीं, दूसरा भी कहता है मेरा नहीं। दुनिया में ऐसा केस भी को देखा होगा जो ये जाकर कहे कि ये मेरा नहीं, वो भी कहे मेरा नहीं। और काजी थे हजरत काब, जोर से कह दो रजी अल्लाह, हुजूर के सहाबी थे, हजरत काब की अदालत में केस पहुंचा। हाय क्या जज थे, जज की आंखों से भी आंसू निकल आए कि क्या तालीम नबवी है। मुसलमान क्या था, मुसलमान ने इस्लाम मानने वाले को क्या इस्लाम दिया और क्या ईमान दिया। ला ईमान लिमन ला अमानत ला, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं, जिसमें अमानत नहीं उसमें, जिसमें अमानत नहीं उसमें, और मैंने कई माने करते हुए एक माना किया था, जिसमें अमन नहीं, जिसमें मोहब्बत नहीं, जिसमें प्यार नहीं उसमें ईमान नहीं। मोमिन तो प्यार देता है प्यार लेता है, प्यार सुनता है प्यार बोलता है, प्यार चलता है प्यार बांटता है, जो प्यार को बांटता ही नहीं वो मोमिन नहीं। जिसमें अमानत नहीं उसमें मोमिन नहीं। और ये धरती पे अजीब केस अदालत में आया है, वो भी कहता है मेरा नहीं, वो भी कहता है मेरा नहीं। हजरत काब कहते हैं मैं परेशान हो गया, क्या फैसला करूं। आखिर देहात की अकल को इस्तेमाल किया तो एक का पता किया तो उसके घर में जवान बेटा है, दूसरे का पता किया तो उसके घर में जवान बेटी है। मैंने कहा ऐसा करो बेटे बेटे की शादी करके ये सारा सोना उन्हीं को दे दो, कह दो सुभान अल्लाह, ना तेरा ना उसका, ये उनको दे दो जहेज। इस्लाम के अंदर इस तरह मना नहीं जिस तरह आप और मैं करते हैं। बाप देता है बेटी को, ठीक है जो भी देता है, अल्लाह के पाक नबी ने दिया जो कुछ भी दिया, बेशक चक्की दी, लोटा दिया, खजूर का मुसल्ला दिया, दिया तो सही ना, दिया तो सही ना,
कुछ भी दिया, दिया जो हस्ब ताकत है मां बाप। लेकिन कभी मां बाप ऐसा होता था जो बेटी को घर से निकलते वक्त दुआओं के साथ साथ को कुरान देते थे, को फलानी किताब देते थे, फलानी किताब देते थे कि बेटा उस घर में जाकर अपने अखलाक से उस घर को बनाना, प्यार और मोहब्बत से उस घर को बनाना। तो आगे सवाल आता था कि तेरा ईमान खलोता है कि बैठा है। जवाब आता था कि मेरा ईमान खलोता है, इस ईमान को बैठने की जगह मैंने देनी है, इस ईमान को लेटने की जगह मैंने देनी है, इस ईमान को चौकड़ी मारकर आराम से बैठने की जगह मैंने देनी। अब मैंने कैसे देनी है? ला ईमान लिमन ला अमाना ताला, ला दीन लिमन ला अहदला। मोहब्बतें देनी है, अमन देना है, अमानत देनी है, मीठा बोल बोलना है, मीठी चाल चलनी है। वक्सिद फी मशी का वगजुज मिन सौतिक, गुज़श्ता जुमा बात की थी, अल्लाह कभी मौका दे, सूरह लुकमान 21वां सिपारा दूसरा रकू, हजरत लुकमान अपने बेटे को वसीयतें कर रहे हैं, वला तुसायर खद्दक लिन्नास, मुंह फुला के मुंह बना के मुंह इधर करके कभी किसी से बात ना करना। मेरे पाक नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है ईमान वालों। 23 साल जमाने नबूवत में कभी मेरे पाक नबी ने ना अपने से ना बेगाने से मुंह बना के बात की। मैं क्यों किसी से मुंह बना के बात करता? वला तमशी फिल अर्द मराहा, ये मैं अपने ईमान को चादर पहना रहा हूं, मैं अपने ईमान को बैठने की जगह दे रहा हूं। अकड़ के जमीन पे ना चलना। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते इन्नका लन तखरिकल अर्द, ये जो चौड़ा होके टुर रहे हैं क्या तू जमीन जितना चौड़ा हो जाएगा? वलन तबलुगल जिबाल तूला, क्या पहाड़ जितना लंबा हो जाएगा ये जो गर्दन उठा के चल रहा है? दुआ कर 3 गज जगह तुझे मिल जाए। आमीन कह दे। कितने वो भी होते हैं जिनको वो भी नसीब नहीं होते। दुआ कर अल्लाह हलाल का कफन नसीब कर दे। कितने वो होते हैं जिनको कफन भी नसीब नहीं होता। दुआ कर अल्लाह तुझे ईमान की मौत दे दे। कितने वो होते हैं जिनसे अल्लाह पाक मौत से पहले ईमान को छीन लेता है। एक आदमी का वाकया पढ़ा, मर रहा था, सारी बातें कर रहा है, घर वाले कहते हैं तौबा का लफ्ज बोल ले। कहता है हर लफ्ज जुबान पे आता है, तौबा का लफ्ज नहीं आता। किताबों में वाकया लिखा, जो बंदा जाता है दुकान की, मकान की, औलाद की, वसीयत की, हर एक की बात, अगले कहते हैं बाबा मरने वाला है तौबा। कहता है क्या करूं, मेरी जुबान से तौबा का लफ्ज ही नहीं आता। ऐसे ही मर गया। कई ऐसे भी मरने वाले होते हैं जिनको मौत के वक्त कलमा आमीन कह दे। अल्लाह तुझे कलमा नसीब कर दे। अल्लाह तुझे तेरे वतन की मौत दे। अल्लाह तुझे तेरे घर की मौत दे। अल्लाह अचानक की मौत ना दे। अल्लाह अमन सुकून की, अल्लाह किसी का मौत तक तुझे मोहताज ना करे। आमीन कह दे। दुआ मांगा अपने लिए, इनके लिए, जितने बैठे हैं, जितने दुनिया में मुसलमान हैं, अल्लाह ईमान की मौत दे। मेरे दोस्तों ईमान बड़ी चीज है। हमने को दरख्वास्त दी थी अल्लाह को, अल्लाह हमें ईमान दे दे। हमने को लिख के दिया था अल्लाह हमें इस्लाम दे दे। हमने को अपील की थी, जलूस निकाले थे, धरने दिए थे अल्लाह के दरबार के आगे के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे दे। ये बड़े करम के हैं फैसले और ये बड़े नसीब की बात है। वो जिस पे चाहता है करम करता है, वो जिस पे चाहता है अपना फजल करता है। इन्नका ला तहदी मन नहबबता,
कुरान के जो अल्फाज हैं वो कहता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत का लफ्ज है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं उसको सीधा रास्ता दिखा देता हूँ, मैं उसको ईमान दे देता हूँ, मैं उसको जन्नत की राह दिखा देता हूँ, मैं उसको कमली वाले की सुन्नतों का सबक दे देता हूँ, मैं उसको मक्के मदीने की राह दिखा देता हूँ, मैं उसको कुरान की राह दिखा देता हूँ, मैं उसको अल्लाह वालों की राह दिखा देता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो हमसे प्यार करता है, कहो बेशक, कहो बेशक, हम करें ना करें ये तो हमारी आदतें हैं ना, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। मैं अगला लफ्ज बोलूं तो इंशाल्लाह इसकी तफसीर तो मैं अगले जुमे बयान करूंगा, वो हमें चाहता है। ये मोहब्बत से प्यार से भी बड़ा लफ्ज होता है किसी को चाहना, कि उसकी एक एक तमन्ना, उसकी एक एक चाहत का ख्याल करूं, मेरा अल्लाह मेरी एक एक चाहत का ख्याल करता है। ईमान से बताओ, शाम को तुम सोचो आज मैंने ये खाना है, क्या वो नसीब नहीं करता? जो चाहते हो आज मैंने ये पीना है वो तुम्हें नसीब नहीं करता? मैंने आज ये पहनना है वो तुम्हें नसीब नहीं करता? तुम्हारी एक एक चाहत का ख्याल करता। जब वो मेरी हर चाहत का ख्याल करता है तो फिर मोहब्बत का दर्स यही होता है कि मैं भी उसकी चाहत का ख्याल करूँ। जब मैं उसकी चाहत का ख्याल करूंगा तो फिर मैं इंसान बनता हूं, फिर मैं मोमिन बनता हूं, फिर मैं मुसलमान बनता हूं। अगर मैं उसकी चाहत का ख्याल ना करूं तो मैं तो काफिर का काफिर। उसकी चाहतें क्या होती हैं, मेरी चाहतें क्या हैं, उसकी चाहतें क्या हैं, अल्लाह हमें अपनी चाहतें नसीब कर दे, आमीन। जिस तरह मेरी वो हर चाहत का ख्याल करता है, मैं भी उसकी हर चाहत का ख्याल करूँ। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।